नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित कुमार जैन है। आइए स्टडी ट्रिक में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमारी जो राज्य व्यवस्था से संबंधित जो सीरीज चल रही है बहुविकल्पी प्रश्नों की, उसमें आज हम पार्ट दूसरा लेकर आए हैं संविधान सभा से संबंधित। इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों का संग्रह किया गया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये अध्याय। तो हमारा जो पहला प्रश्न होगा इसमें वो होगा, किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। आपके सामने विकल्प दिया है महात्मा गांधी, दूसरा दिया है मोतीलाल नेहरू, तीसरा दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा दिया है बाल गंगाधर तिलक। 5 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं, आप अपना चयन करें उत्तर का। तो चलिए, आपके 5 सेकंड खत्म होते हैं, देखें इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। आपके सामने विकल्प है महात्मा गांधी, दूसरा है मोतीलाल नेहरू, तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले और चौथा M.N. राय। आपके पास 5 सेकंड हैं। चलिए, खत्म होते हैं आपके 5 सेकंड, देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो आपके सामने विकल्प दिया है महात्मा गांधी जी, दूसरा मोतीलाल नेहरू, तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा M.N. राय। तो आपको अपना चयन करना है 5 सेकंड में उत्तर का। तो इसका उत्तर होगा M.N. राय, विकल्प नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। यहां हो गया कसने, यहां किसने था, तो किसने मूर्त रूप प्रदान किया, तो वो आपके सामने विकल्प दिए हैं महात्मा गांधी जी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने और M.N. राय द्वारा। तो आपको 5 मिनट में आपका उत्तर चयन करना है। आइए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू साहब ने संविधान जो है को मूर्त रूप प्रदान करने का जो है प्रयास किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। विकल्प दिया है आपको 1928 ईस्वी, दूसरा 1931 ईस्वी, तीसरा 1936 ईस्वी या फिर चौथा 1942 ईस्वी। आपके पास 5 सेकंड हैं। आपके 5 सेकंड खत्म होते हैं, देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, 1936 ईस्वी में जो है कांग्रेस ने बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की क्या है मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। विकल्प दिया है महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सुभाष चंद्र बोस, चौथा वल्लभ भाई पटेल। 5 सेकंड आपके पास हैं। तो चलिए, आपके 5 सेकंड खत्म होते हैं, देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। विकल्प दिया महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा B.R. अंबेडकर, चौथा बाल गंगाधर तिलक। तो आपके पास 5 सेकंड हैं, देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक, विकल्प नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है। आपके सामने विकल्प है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियम के प्रांतीय प्रस्ताव। आपके पास 5 सेकंड का टाइम आपको दिया जा रहा है, आप अपने उत्तर का तय कर लें। तो चलिए, आपके 5 सेकंड खत्म होते हैं, देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, संविधान सभा को गठित करने का जो है प्रमुख आधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। पहला दिया साइमन आयोग का प्रस्ताव, दूसरा क्रेप्स प्रस्ताव,
तीसरा माउंटबेटन योजना, चौथा कैबिनेट मिशन योजना। आपके पास 5 सेकंड है, आप अपना उत्तर तय करें। 5 सेकंड खत्म होते हैं, आपने अपना उत्तर तय कर लिया होगा, तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो आपके सामने विकल्प दिया है, फर्स्ट कानपुर, सेकंड मुंबई, थर्ड फैजपुर और फोर्थ लाहौर। आप अपना विकल्प चयन कर लें। तो चलिए, आपके 5 सेकंड खत्म होते हैं, देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 फैजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? फर्स्ट दिया है 389, सेकंड 409, थर्ड 429 और जो चौथा दिया है वो दिया है 505। तो आपके सामने 5 सेकंड का समय है, आप इसका उत्तर तय कर लें। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 389। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? आपके सामने विकल्प दिया है, 1 ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, 2 देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, 3 मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, विकल्प नंबर 4 उपर्युक्त सभी। तो आपको उत्तर तय करने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप अपना उत्तर तय कर लें। तो चलिए, आपका टाइम पूरा होता है, देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? विकल्प दिया है 195, दूसरा दिया है 208, तीसरा 225, चौथा 235। 5 सेकंड है आपके पास, चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 208। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? विकल्प दिया है, 1 289, 2 नंबर 299, 3 324, 4 333। 5 सेकंड है आपके पास, चलिए खत्म होते हैं आपके 5 सेकंड, देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 299। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? विकल्प 1 100, विकल्प 2 70, विकल्प 3 85, विकल्प 4 65। तो आपके पास 5 सेकंड है, तो चलिए, टाइम आपका खत्म होता है, देखें इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा ने विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? विकल्प 1 208, 2 229, 3 249, 4 289। 5 सेकंड आपके पास हैं, देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 229। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? 1 प्रांतों की विधानसभा, 2 संघीय व्यवस्थापिका, 3 उपर्युक्त दोनों और 4 इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड आपके पास हैं, चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर होगा प्रांतों की विधानसभा, विकल्प नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? विकल्प नंबर 1 बंगाल, 2 चेन्नई, 3 मुंबई, चौथा संयुक्त प्रांत। 5 सेकंड आपके पास हैं, चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? विकल्प नंबर 1 जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद या फिर मैसूर। तो आपको चयन करना है 5 सेकंड में अपने उत्तर को, चयन कर लिया होगा आपका, आपने
तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या फिर पंजाब से। ये आपके सामने विकल्प दिए गए हैं, आप उत्तर तय करें। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। आपने अपना उत्तर तय कर लिया होगा, तो इसका जो उत्तर है वो होगा विकल्प नंबर 1, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? विकल्प आपके सामने दिए हैं, पहला दिया है समान मताधिकार, दूसरा दिया है सर्व मताधिकार, तीसरा दिया है सीमित मताधिकार, चौथा दिया है वर्गीय मताधिकार। आपको इन विकल्पों में से आपका चयन करना है, 5 सेकंड आपके पास हैं। देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, वर्गीय मताधिकार के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। आपके सामने पहला विकल्प दिया है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, दूसरा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, तीसरा गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, चौथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 2, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान को किसने बनाया? विकल्प दिया है पहला संविधान सभा ने, दूसरा ब्रिटिश संसद ने, तीसरा भारतीय संसद ने, चौथा गवर्नर जनरल ने। 5 सेकंड आपके पास हैं। चलिए खत्म होते हैं आपके 5 सेकंड, देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर होगा संविधान सभा ने, विकल्प नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? विकल्प दिया है पहला 1945 में, दूसरा 1946 में, तीसरा 1947 में, चौथा 1948 में। 5 सेकंड आपके पास हैं। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? पहला विकल्प है मुंबई में, दूसरा कोलकाता में, तीसरा लाहौर में, चौथा दिल्ली में। आप अपना विकल्प चयन कर लें 5 सेकंड में। चलिए आपका टाइम पूरा होता है, देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली में, विकल्प नंबर 4। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? दिल्ली में। तो दोस्तों, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, ये जो विधि है पढ़ने की वो कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इसी तरह से हम निरंतर, सबसे पहले हमने संविधान की जो है स्टार्ट में जो विकल्प थे, जो प्रश्न थे उनको पढ़ा, फिर संविधान सभा और संविधान सभा से संबंधित और भी प्रश्न हैं वो भी पढ़ेंगे, फिर संविधान सभा की प्रस्तावना से संबंधित पढ़ेंगे, विशेषताओं से संबंधित पढ़ेंगे, और निरंतर इसी तरह जो राजव्यवस्था के अलग अलग टॉपिक हैं, लगभग 30 से 40 टॉपिक हैं, उनको हम जल्द से जल्द निपटाने का प्रयास करेंगे और आप तक इसी तरह छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रेषित करते रहेंगे। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल्स को सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि, और जो बेल आइकन आपके सामने दिया होगा वीडियो के नीचे, उसको जरूर दबाएं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप देखें, आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचे, तो आप बेल आइकन को जरूर दबाएं, और जो है जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और आप उसका जल्द ही लाभ ले सकेंगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। जय हिंद।